स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हों या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1,00,000 क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू। चलिए, हम जैसा कि हमने पढ़ा है अभी तक कि डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कवर करने के लिए, एक्चुअली ये क्या है, एक पाथ है। उस पाथ को कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे कवर करता है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी क्षमता होती है कवर करने की। ये उसके चलने की दिशा, चलने की गति पे निर्भर करता है कि उसका कदम कितना जल्दी जल्दी पड़ रहा है, वो पैर कितना जल्दी चल रहा है। तो इससे ये हमने जो नई क्वांटिटी हमको पता चली कि स्पीड क्या है, ये बताएगी कि किसी डिस्टेंस को हम कितना जल्दी कवर करते हैं, ये हमारी स्पीड पे निर्भर करता है। किसी भी डिस्टेंस को कितना जल्दी आप कवर करते हैं, ये आपकी स्पीड पे निर्भर करता है। ठीक, क्या है स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। लिख लीजिए, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट। ठीक, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यहाँ पे यूनिट टाइम का क्या मतलब है? ठीक, एक बात आप समझ लीजिए, यूनिट टाइम का मतलब, जैसे यूनिट का मतलब वन होता है, जब भी हम यूनिट कहेंगे इसका मतलब एक, वन। तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, जो भी लेंगे आप 1 लेंगे। ठीक है, अगर आप 1 लिए, 1 सेकेंड लिए, ये भी यूनिट टाइम है, 1 मिनट है, ये भी यूनिट टाइम है, 1 आवर है, ये भी यूनिट टाइम है। ठीक है, समझ में आ रही ना आपको बात? 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, ये सब यूनिट टाइम है। ठीक, क्या है? डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसी है? जो भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। आप जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, ये आपकी स्पीड बताती है। जैसे आप बाइक चलाई होगी तो उसमें देख रहे होंगे कि एक है, नहीं आपका चलता है, आप 20 है, 30 है, 40 है, किस स्पीड से चल रहे हैं। ये 20, 30, 40 ये बताता है कि आप अगर 30 की स्पीड से चल रहे हैं तो आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएंगे, समझ गए? वो हमेशा पर आवर में बताता है। अगर आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएंगे। आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं तो क्या है कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएंगे। तो वहां पे टाइम कितना ले लिया गया? 1 आवर। हमको वहां पर आवर की स्पीड में बता रहे हैं। स्पीड क्या बता रही है कि आप जो बाइक होगी, आप 30 की स्पीड में चला रहे हैं, 40, 50, 60 कोई भी स्पीड में चला रहे हैं, ये बताता है कि आप 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, ये आपकी स्पीड पे निर्भर करेगा। ठीक, स्पीड का सिंबल क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, इसमें कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आप इसे समझिए। और चूंकि हमें ये पता है स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक, और चूंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस, हमने पहले आपको बता दिया कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। ठीक, स्पीड कभी निगेटिव में नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अब टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है, टाइम कभी पीछे जा ही नहीं सकता।
आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसका क्या मतलब निकला कि स्पीड जो हमको मिलेगी, स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड आर ऑलवेज किसी भी चीज की स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट जानने बताने से पहले आप ये देखिए, यूनिट हम किसी चीज का कैसे निकालते हैं, एसआई यूनिट कि हम ये देखते हैं कि वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, स्पीड किससे मिली बनी हुई है, स्पीड किससे मिलकर बनी हुई है, डिस्टेंस से और टाइम से। डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है आपको बता चुका हूं मैं, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये मीटर पर सेकंड है। अगर हम डिस्टेंस की यूनिट क्या ले लिए, सेंटीमीटर ले लिए, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, अगर हमने डिस्टेंस की यूनिट ले ली किलोमीटर और टाइम की यूनिट आवर ले ली, तो किलोमीटर पर आवर। ये तीनों क्या है, इसका एसआई यूनिट। आपको समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए कि ये क्या है, एसआई यूनिट है। ये हम इसमें कोई भी क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, ये किस पे निर्भर कर रहा है कि ये क्वांटिटी किस किस से मिलकर बनी हुई है। ठीक, एक बात और, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया कि भाई इसकी डिफ्रेक्शन क्या होती है, फार्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये पॉजिटिव निगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है स्पीड के साथ कि स्पीड जैसे हमने मोशन पढ़ा है, मोशन मैंने कैसे पढ़ा हमने कि मोशन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है, दोनों तरीके के मोशन होते हैं। ऐसे स्पीड जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों स्पीड होगी। जैसे जब आपकी स्पीड हमेशा 20 किलोमीटर की है, कांस्टेंट स्पीड है, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तो स्पीड आपकी कैसी कैसी हो सकती है, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड इसमें क्या है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है इसमें, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, आपकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड जो है चेंज हो रही है, कंटिन्यूस चेंज हो रही है। आपको अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है, कि मोशन के टाइप पढ़े हम, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और सब चीजें हमने स्पीड तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है। अगर आपको बिल्कुल सिंपल टर्म में बताएं कि अगर हम स्पीड के साथ, स्पीड हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है अभी, तो स्पीड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन भी पता हो तो उसी को कहेंगे वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे देखिए इसको, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला पे आप नजर डालिए कि वेलोसिटी क्या होगी भाई। वेलोसिटी होगी स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड और प्लस डायरेक्शन हमने जब भी डायरेक्शन पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ पढ़ा है। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन जो है क्या होता है, सॉरी, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया या इसमें कितना टाइम लिया है, इसको क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन फिक्स्ड डायरेक्शन, मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ, इट इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन फिक्स्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का स्पीड है जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। आप याद रखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे, और अब यहाँ पे स्पीड को और वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को सेम है। चलिए दूसरी चीज ये क्या है कि आपको मैं जैसे पढ़ाया हूं तो उसी समय बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है,
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका एक मतलब ये निकला, क्या है भाई, हमने रिप्रेजेंटेशन में बात की, रिप्रेजेंटेशन भी है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट आपको बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी निकला कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, प्लस माइनस और जीरो, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो तीनों में हो सकती है, पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी, जीरो में भी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक, एक और आपसे बता दें कि जो स्पीड होती है, स्पीड वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, लेकिन कभी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल ये दिमाग में डाल लीजिए, दो लाइनें हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक क्या है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिस्टेंस क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है लेकिन कभी उससे कम नहीं होगा। यही है स्पीड के साथ कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है लेकिन कभी उससे कम नहीं हो सकती, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई जो भी पढ़ा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अच्छा एक बात अब तक आप तो क्लियर हो गई होगी कि वेलोसिटी किस चीज पर निर्भर करती है, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। मतलब इसका डायरेक्शन जो है इसकी वैल्यू को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करेगा, डायरेक्शन क्या है, ये या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। जैसा कि हमने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा, अगर हमने ये किया पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे है। ठीक, तो अगर कोई भी इसके तरफ, जब कोई दूसरी बॉडी इसके तरफ आएगी तो उस डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अगर कोई चीज इससे दूर जा रही होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर कोई बॉडी इसकी तरफ आ रही होगी तो उसको हमने पॉजिटिव लिया, अगर इसको इसके दूर जा रही है तो इसको निगेटिव लिया। एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि अगर एक इसका मित्र है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ आ रहा है, तो हमने इसका स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इसकी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स इज होम। तो इसको अगर हमने इसमें कोई साइन नहीं लिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इसके तरफ आ रहा है। अब इसकी स्पीड मान लीजिए आया फैन इसकी 20 किलोमीटर से और जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या लिखी जाएगी, स्पीड इसकी कितनी है, इस फैन की, इस फैन की स्पीड कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है इसकी, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वो बाहर जा रहा होगा, तो इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी कितनी है इसकी, एक बार ये देखिए, वेलोसिटी इसकी होगी माइनस, क्योंकि क्योंकि ये इससे पॉइंट से दूर जा रहा है, तो माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो चीज ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट के पास जा रही है या जो है ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है, किसी भी पॉइंट के हम पास जा रहे हैं या उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ये हमें उस साइन से, साइन के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी। तीसरी चीज इसमें एक पॉइंट छूट रहा है कि इसका यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिट हम किससे निकालते हैं भाई, कि जो यूनिट निकालने का एक ही तरीका है कि वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है वही उसकी यूनिट डिसाइड करती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड। इसको हम और लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड ऐसे बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ये तीन तरीके हैं जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको हम किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या मीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि वो पर मिनट में हो, किसी भी क्वांटिटी, आप इसको कोई भी डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। ठीक, और अब हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक बात अब तक आपको ये क्लियर हो गई होगी, सॉरी वेलोसिटी भी जैसा कि स्पीड होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा आपने, ऐसे वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरीके की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई, जो एक जैसी हो, एक जैसा जब हम चलते रहेंगे तो उसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो एक जैसी ना हो। ठीक, अगर हम एक ही जैसे हमने हम व्यस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं और 20 किलोमीटर की स्पीड से जाते जा रहे हैं तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, और अगर हम बेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी 20 हो जा रहा है, कभी 30 हो जा रहा है, कभी 40 हो जा रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक जो इसमें नई चीज सोचने वाली है, ये आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना, कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आगे एग्जाम में, क्योंकि तो वेलोसिटी किस तरीके की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जैसे ये आपका ये दोस्त इसके पास मिलने आ रहा था 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ रहा है। ये क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुई, जो वेलोसिटी एक जैसी हो, मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ठीक, क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंज, व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंज means it is continue in a same direction with same speed. Velocity not change का दो मतलब हो गया कि उसकी direction भी change नहीं हो रही है और उसकी speed भी नहीं change हो रही है। ठीक, अगर एक point अभी भी आप सोच लीजिए कि अगर उसकी direction change हो गई फिर भी velocity change हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर वो जा रही है positive direction में, अगर उसने वापस आने लगा या मुड़ गई वहां से, तो उसका कुछ ना कुछ बदल जाएगा डायरेक्शन, या तो निगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक, तो अगर डायरेक्शन निगेटिव होगी तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक, तो वेलोसिटी किस चीज पे चेंज होगी, दो चीज पे, एक उसकी स्पीड कम ज्यादा होगी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, दूसरी कब चेंज होगी, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अगर उसकी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की मूविंग की डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो आप ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी चेंज होने की दो कंडीशन क्या है, एक क्या, एक है कि उसकी स्पीड चेंज हो, दूसरी क्या है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो। वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब उसकी स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो यूनिफॉर्म में क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंज, मतलब ना उसका स्पीड चेंज हो रहा है और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप उसको लिख लीजिए कहीं भी और बिल्कुल सुबह सुबह उठ के रोज पढ़िए, क्या है कि वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब उसकी स्पीड चेंज हो और उसका डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से कोई एक चेंज हो या दोनों चेंज हो तभी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक, तो व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंज, मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसमें क्या है, व्हेन नॉन यूनिफॉर्म में, व्हेन वेलोसिटी इज चेंज। अब यही पे देखिए कि वेलोसिटी चेंज होने की क्या क्या कंडीशन है, कि स्पीड चेंज हो रही हो, या तो स्पीड चेंज हो, क्या क्या चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, दो कंडीशन है वेलोसिटी चेंज होने की, क्या क्या, ये एक या तो हमारी स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, स्पीड चेंज होने से क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा उसका, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और इससे चेंज होने पर क्या हो जाएगा, या तो प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। ठीक, डायरेक्शन चेंज होने पर प्लस माइनस आता है। ठीक, अब एक बात और आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी चेंज होने की केवल दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि स्पीड या तो चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपने देखा कि वेलोसिटी अब कंप्लीट हो चुकी है,
और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्सीलरेशन। क्या है भाई नेक्स्ट टॉपिक है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चलिए आप सोचिए एक्सीलरेशन क्या होता है। वह टीचर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है? चलते शुरू करते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है भाई? एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है वो हम कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, यहां रेट वर्ड आया, रेट का क्या मतलब है? रेट का क्या मतलब है? रेट का वो मतलब है कि जैसे आप कोई दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं कि आज आलू का क्या रेट है, मतलब इस प्रेजेंट समय में क्या उसकी प्राइस है, ये उसका रेट रेट बताता है। मतलब कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में रेट निकालते हैं हमेशा। रेट का क्या मतलब है कि उस समय में, उस सिचुएशन में, जैसे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 30 बजे, उस चीज का क्या प्राइस है, ये उसका रेट निर्धारित करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उस समय में कितनी है, ये क्या बताएगा? एक्सीलरेशन बताएगा। समझ गए ना आप? वेलोसिटी उस समय पर कितनी है ये क्या बता रहा है? इसका एक्सीलरेशन बता रहा है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगला हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। फॉर्मूला क्या होगा एक्सीलरेशन का? एक्सीलरेशन को हम पहले तो ये देख लीजिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो एक्सीलरेशन को आप बिल्कुल समझिए, ये चीजें दिमाग में डाल लीजिए कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये क्वांटिटी बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। और आपको इसको अगर यहां नहीं समझोगे नाइन्थ क्लास में, तो आपको ट्वेल्थ में जाकर एक्सीलरेशन समझना पड़ेगा। तो जो नाइन्थ क्लास में समझ लेगा उसको आगे नहीं समझना पड़ेगा, और ये आएगा ही निश्चित। ठीक, तो क्या होता है एक्सीलरेशन का सिंबल क्या है? एक्सीलरेशन को फिजिक्स में हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन को फिजिक्स में किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन को। ठीक है, दूसरा एक्सीलरेशन को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला होता है कि ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, ये क्या बताता है? एक्सीलरेशन। मतलब कैसे देख लीजिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द, टाइम रिक्वायर टू चेंज द, इस वेलोसिटी को चेंज करने में जो समय लगा है वो हम लेंगे। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन टू चेंज, टाइम टेकन इन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आपको समझ में आ रहा होगा एक बार कि चेंज इन वेलोसिटी की क्या यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? हमें वेलोसिटी का निकाला मीटर पर सेकंड, ठीक, और टाइम की यूनिट क्या है? पर सेकंड। तो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड अपॉन पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक, तो एसआई यूनिट एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट कितनी क्या हो गई? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ये। ठीक, एक्सीलरेशन क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है एक्सीलरेशन है, और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि वेलोसिटी हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी कब चेंज होगी? या तो हम उसका मैग्नीट्यूड बदले या तो उसकी डायरेक्शन बदले। दो कंडीशन है वेलोसिटी चेंज होने की, या तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या तो डायरेक्शन चेंज करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई है, तो एक्सीलरेशन कब चेंज होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। जरा आपको ये बताओ, एक प्रश्न है, इसमें आप जो है थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा वीडियो को पॉज करके, कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन है, क्या उसमें एक्सीलरेशन होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो कंडीशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी
में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सोचिएगा कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए हम डिस्कस बताते हैं कि चूंकि क्या है एक्सेलरेशन, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। इसका मतलब फिर निकल के आया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है, जीरो एक्सेलरेशन। ये आप बिल्कुल समझिए, कुंडली मार लीजिए इसको, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां होगी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन जीरो। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमको एक्सेलरेशन हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, जो कि हम उसको निकालेंगे। दूसरा चीज होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा आपको ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आपको कोई भी पहले कुछ वेलोसिटी थी उसके बाद कुछ दूसरी हो गई, तो आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी कुछ फाइनल। जैसे आप घर से निकले तो 5 की स्पीड थी, फिर दुकान पर पहुंचे तो आपकी स्पीड 15 हो गई, रास्ते में आपकी स्पीड 15 हो गई, तो क्या हुआ कि आपकी आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई विद चेंज इन डायरेक्शन या विद चेंज इन मैग्नीट्यूड, या आपने डायरेक्शन नहीं चेंज किया केवल स्पीड चेंज किया, स्पीड आपकी चेंज हो रही है। तो इसका क्या मतलब निकला कि जैसे हमने वहां पे निकाला था जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, वहां पे हमने क्या निकाला था, एवरेज स्पीड निकाली थी, तो ऐसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो या तो स्पीड की मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हो, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म के केस में, सीधा सीधा देखिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी जिस स्पीड से आप घर से निकले हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी जिस स्पीड में आप कुछ देर बाद पहुंच गए, फाइनल वेलोसिटी जो आपकी लास्ट वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये क्या है भाई, एवरेज। एवरेज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये आपका एवरेज बता रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा इसमें एक चीज आप समझिए कि इनिशियल, यहीं पे समझने का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि हमेशा फिजिक्स में आज से आप याद कर लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को किसे डिनोट करोगे आप, वी से। तो फार्मूला कैसे बन गया एक्सेलरेशन का, सॉरी एवरेज, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कैसे बन गया, वी प्लस यू बाय, सॉरी एवरेज एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन गया, वी प्लस यू बाय 2। ये क्या मिल गया हमको, एवरेज वेलोसिटी मिल गई, ठीक। अगर हमने पढ़ लिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी में जिसमें हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लेंगे वहां पे हमें कुछ न कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। चेंज कब निकालोगे, जब आप दो चीज को माइनस करोगे तो हमको उसका चेंज निकलेगा। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हमको एक फार्मूला मिल गया कि ए इज इक्वल टू यू माइनस वी बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। जैसे कि हमने यहां निकाला था एवरेज वेलोसिटी, तो ये एवरेज वेलोसिटी थी क्योंकि वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही थी, तो हमको यहां पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो
तो एवरेज जो एक्सेलरेशन आया यह एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? आप देखिए, जैसा कि हमने वेलोसिटी पढ़ लिया है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो हमारी स्पीड जो है हमेशा वेरी करती रहती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो हर जगह, चूँकि हमारा अलग अलग हर जगह अलग अलग वेलोसिटी है, तो हम उसको ना कैलकुलेट करके एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिपेंडेंट करते हैं? वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिपेंडेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज है। ठीक,